हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स माइ सब भवानी सिंह फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी इन आई स्कूल तो स्वागत है करवाई जा रही है आपकी आगामी डी ट्रिपल एस पी और सुपर टेट की परीक्षाओं की तैयारी तो एक बार जरा जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए ठीक है ताकि आज की क्लास आपकी स्टार्ट करी जा सके और ले आइए कॉपी और पेन बुआ जी मेरी हो कि नहीं है बुआ फूफा चाचा सारे रिश्ते बना लो यही तुम गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को जय हिंद जय जह भारत सर मुश्किल से मिलो चलिए तो एक बार जरा जल्दी से बता दीजिए आवाज वगैरह क्लियर आ रही है कि नहीं ताकि आज के सेशन को स्टार्ट किया जा सके गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग जय हिंद जय भारत कल थे सर है? कल भी तो थे गुड इवनिंग गुड इवनिंग तो एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि आज का सेशन स्टार्ट करें सर जी क्लास में मेरी बुआ और मैं दोनों क्लास में अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। तो बुआ भी पढ़ रही है तुम्हारी अच्छी बात है ये तो पूरा परिवार पढ़े सब पढ़े सब बड़े राष्ट्रीय साक्षरता मिशन हाँ बेटा आस्था ठाकुर डी ट्रिपल एस बी वाले भी ले सकते हैं जो जी ए आता है वो आपका बेसिकली जी ए में मदद करेगा चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ठीक है तो पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं ठीक है आपके ऑफर्स की तो एग्जामपुर पर डबल धमाका वीक चल रहा है ये ऑफ़र आपका ठीक है 28 फेब तक है जिसमें आपको 60% परसेंट किसी भी कोर्स पे आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है ठीक है कोई सा भी कोर्स ले सकते हैं आप फ्लैट सिक्सटी परसेंट ऑफ में और अगर आप बुक्स कोई ऑर्डर करते हो तो फ्लैट थर्टी परसेंट ऑफ पे आपको बुक मिलेगी जो बैच के लिए कोड है वो है सुपर सिक्सटी बुक्स के लिए कोड है बुक्स थर्टी ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे ये पूछते हुए सबसे छोटे कार्यकाल के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे तो बहुत सबसे छोटा टेन्योर किन का रहा था आपके राष्ट्रपति काल में आप सभी को पता है भारत के राष्ट्रपति का जो टेन्योर होता है वो आपका फाइव इयर्स का रहता है ठीक है बट सबसे छोटे कार्यकाल के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे राजेंद्र प्रसाद प्रणब मुखर्जी वी गिरी या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन पीजीटी कब शुरू करेंगे सर ठीक है बेटा जैसे ही यू टी यूपी टेट का रिजल्ट आ जाता है बिकॉज जितनी भी इंक्वायरीज आई हैं ठीक है ऑफिस में मोस्टली सब ने यही बोला सर एक बार यूपी टेट का रिजल्ट आ जाओ उसके बाद करिएगा वी वी गिरी अच्छा जी अच्छा अच्छा जी मुझे हड़क होने लगा है हड़क हड़क का होता है चल आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सबसे छोटे कार्यकाल के लिए आपके भारत के जो राष्ट्रपति रहे थे वो आपके रहे थे कौन दैट इज आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी जाकिर हुसैन ठीक है जो कि आपके भारत के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट रहे थे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति रहे थे और आपके सॉरी थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तीसरे राष्ट्रपति थे आपके भारत के ठीक है जिनका जो बेसिकली टेन्योर था ठीक है आपका वो 1967 से लेके 1969 तक रहा अंटिल डेथ 67 से लेके 69 तक क्योंकि 69 में इनकी डेथ हो गई थी थर्ड में 1969 को इनकी डेथ हो गई थी तो बेसिकली दो साल का इनका टेन्योर रहा ठीक है बेसिकली ये आपके भारत रत्न से भी अवार्ड हुए थे इनको भारत रत्न भी मिला था आपका ठीक है 1963 में और ये आपके बंगाल सॉरी गवर्नर भी रहे थे ठीक है बिहार के तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी आपका दैट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन ही वाज आल्सो द वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ आपका जो आ, कौन सा है ये दिल्ली में एक क्या नाम है उसका अरे यार एक बड़ा अच्छा कॉलेज है मुस्लिम का किसी को याद है दिल्ली में कौन सा मुस्लिम कॉलेज है ठीक है तो उनके को फाउंडर भी रहे थे मेरे को नाम याद नहीं आ रहा कॉलेज का बड़ा अच्छा कॉलेज है क्या नाम था जामिया मिलिया इस्लामिया ठीक है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज उस पक्षी का नाम बताइए जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर पीछे की ओर पलायन करता है नेम द बर्ड दैट माइग्रेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड बैक ठीक है मतलब पहले नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ आया और साउथ पोल से वापस से आपका नॉर्थ की तरफ गया ठीक है ये क्वेश्चन आपका सी टेट में आया हुआ था इस बार ठीक है बट हालांकि जनरली हम जो सी टेट की है उसमें हम जो क्वेश्चन में ऑप्शंस बताए गए थे वो आपका साइबेरियन क्रेन दिया था बट ये एक्चुअली में इट इज़ नॉट साइबेरियन क्रेन तो कौन सा पक्षी है ठीक है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने आपका सी मतलब थर्ड नहीं थर्ड नहीं सॉरी फिफ्थ क्लास एन में एक कहानी और दी है साइंस की उसी से ठंडा उसी से गर्म ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड ठीक है तो काफ़ी सारी बच्चों के लिए इन्होंने साइंस की चैप्टर्स लिखे हुए हैं ठीक है टू नो द बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस ठीक है तो उसी से ठंडा उसी से गर्म इसमें यह बताया गया था जब आप हाथों को दूर रख के फूकते हो तो हवा ठंडी लगती है बट हाथों को पास रख के फूकते हो तो हवा कैसी लगती है आपकी गर्म लगती है बट अगर आप एक प्रैक्टिकल करके देखोगे जब आप करोगे तो हवा ठंडी लगेगी बट जब आप करोगे तो हवा आपको कैसी लगेगी गर्म लगेगी ठीक है तो वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है द आर्कटिक टर्न ठीक है तो आर्कटिक टर्न जो पक्षी है ये माइग्रेट करता है कहां से आर्कटिक से और ये आता है एंटार्क्टिक की तरफ और वापस से ये आपका माइग्रेट करता है एंटार्टिक बैक टू द आर्कटिक तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी नहीं बेटा सी नहीं साइबेरियन क्रेन नहीं क्रेन तो बहुत सारी होती है ना क्रेन तो अपनी नॉर्मली इंडिया में भी मिलती है क्रेन सारस साइबेरियन क्रेन आपकी

कैल्शियम फॉस्फेट से बनी संरचना है इसमें ऊपर में आपका जो आपको दिखता है ये आपका भी गली क्या है ठीक है ये आपका सीमेंटिंग लेयर है ठीक है ये यहाँ पे ये क्राउन बोला जाता है ठीक है अंदर में इसमें आपका पल्प रहती है ठीक है अब बेसिकली पल्प का फीचर होता है कि जब चौदह साल की जब हम हो जाते हैं तो ये पल्प वाला रीजन क्या जाता है जिनका पल्प वाला रीजन सिकुड़ जाता है उनके दांत की ग्रोथ नहीं हो पाती फर्दर बट कुछ जानवर ऐसे हैं जिनमें थ्रू आउट द लाइफ ये पल्प रीजन जो रहता है वो आपका थ्रू आउट द लाइफ रहता है इसलिए उन जानवरों के दांत अक्सर कर बढ़ते रहते हैं तो आपने जनरली सुना होगा कि गिलैरी हुआ ठीक है चूहे हुए रोटिफर्स हुए मतलब जो बिल वगैरह में रहते हैं इनके दांत बढ़ते रहते हैं तो ये अपने दांतों को क्या करते रहते हैं ठीक है घिसते रहते हैं ताकि इनके दांत ज़्यादा बड़े नहीं हो जाए इवन कई बार कुछ कुछ केसेस में चौदह साल के, के बाद भी ये आपकी पल्प गायब नहीं हो पाती तो जिनकी चौदह साल के बाद ये पल्प गायब नहीं हो पाती तो उनके दांत बेसिकली क्या हो जाते हैं धीरे धीरे बड़ के देखे होंगे तो अब्बा जो थे वाले हमारे हारमोनियम थे मैं नहीं दूंगी आंसर मुझे तो आता क्या बात है वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मोर सतर मोर तोता बिकॉज दे ऑल आर वट दे ऑल आर एवस एवस मतलब पक्षी और पक्षियों में दांत नहीं होते दांत की जगह क्या होते चाँच होती है है ना तो वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छा बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग खसी मिल रही है दल को ऐसे पड़ते जाओ बढ़ते जाओ राष्ट्रीय साक्षरता मौसम ठीक है तो कुछ लोगों की ये पल पल्प आपकी क्या रह जाती है चौदह साल के बाद भी आपका क्या रह जाता है गायब नहीं होती तो उनके दांत बड़बड़ के बड़बड़के के बाहर निकल आते हैं ठीक है आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ए वेरी गुड वेरी गुड चल नेक्स्ट थिंग इज आधिकारिक तौर पर एक शुभंकर की शुरुआत करने वाला भारत का पहला बाघ अभारण्य जिसे भूर सिंह ठीक है, द बारा नाम दिया गया ठीक है द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया टू ऑफिशियली इंट्रोड्यूस ए मैस्कट विच बीन नेम्ड भूर सिंह द बारा सिंगा मतलब वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है ठीक है या टाइगर रिजर्व है जिसमें एक मैस्कट जिसका नाम क्या है भूसिंग बारा सिंघा को ठीक है इंट्रोड्यूस किया गया था कोई आइडिया है टीजीटी का बैच कब तक आएगा बताया तो था बेटा ठीक है टीजीटी का बैच जैसे यूपीटेट यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ जाता है बिकॉज मैक्सिमम सेवेंटी परसेंट ऑफ द जो भी क्वेरीज़ आई हैं ठीक है आपका एग्जाम्पुर पे उन्होंने सभी ने ये बोला है सर आफ्टर यूपी टेट के रिजल्ट के बाद बैच लॉन्च करिएगा तो बताइए तो आधिकारिक तौर पर ठीक है एक शुभंकर की शुरुआत करने वाला भारत का पहला बाघ अभारण जिसे जिसके अंदर भूर सिंह बारा सिंघा नाम के इंट्रोड्यूस किया गया था चलो तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है जो भूसिंग बारा सिंघा वो आपका मेस्कट जो दिया गया वो आपका दिया गया किसे काना टाइगर रिजर्व को तो आंसर टू दिस क्वेश्चन सी और कान्ना टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट नेशनल पार्क भी है याद रखें अगर आपसे कोई पूछे लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है मध्य प्रदेश का तो आप बताएंगे काना टाइगर रिजर्व अच्छा यहीं से एक और क्वेश्चन सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है विच इज लार्जेस्ट नेशनल पार्क भारत में डेट का रिजल्ट आ जाएगा हम बता जिसको आना होगा आ जाएगा टेंशन क्यों ले रहे हो तो जल्दी बताए तो सबसे बड़ा वेरी गुड ठीक है तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपका कौन सा है हेमिस नेशनल पार्क ठीक यूपी टेट के टाइम पर आपने किया हुआ ये और ये आपका है लद्दाख में चलिए अगला प्रश्न कंट्रोल शिफ्ट और आर्ट जनरली अगर आप कंप्यूटर फ्रेंडली होंगे या फिर लैपटॉप होगा आपके पास तो आपने इस लैपटॉप में इस कंप्यूटर पे कुछ कीज देखी है कंट्रोल शिफ्ट आर्ट ठीक है ये डैश कुंजिया कहलाती है कौन सी संशोधक कुंजिया फंक्शनल कीज कहलाती है अक्षरांकीय या फिर संयोजन मॉडिफायर कीज फंक्शन की अल्फा अ, अल्फा न्यूमेरिक की या फिर एडजस्टमेंट की नहीं बेटा अनिल सिंह नागार्जुन श्रीशलम जो नेशनल पार्क है वो आपका टाइगर रिजर्व में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ठीक है अगर आपसे कोई पूछे सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है तब आप बताओगे नागार्जुन श्रीशलम की वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए तो आंसर दिस क्वेश्चन विल बी कंट्रोल शिफ्ट और ठीक है ये जो आपकी कीज है ठीक है कंट्रोल हुई सी टी आर एल शिफ्ट हुई ठीक है आल्ट हुई और इन्हीं के बगल से आपने एक और की देखी होगी जिस पे आपकी क्या बनी रहती है विंडो बनी रहती है, है ना? देखा होगा ना यहां पे विंडो बनी रहती है ये सारी कीज आपकी बेसिकली बोली जाती है मॉडिफायर कीज ठीक है इनसे आपके मॉडिफाइड फंक्शन होते हैं ठीक है तो मॉडिफायर कीज बोली जाती है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ए ठीक है इस प्रश्न का उत्तर क्या है ए नहीं बेटा फंक्शन की तो एफ नाइन एफ एट एफ थ्री न्यूमेरिकल्स की इधर रहती है नम पैड रहता है ना यहाँ पे देखा होगा अपना कम से कम लैपटॉप तो देख लो खोल के चलो तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ए चलिए नेक्स्ट थिंग इज मानव हृदय है ठीक है जो हमारा हृदय है न्यूरोजेनिक है मायोजेनिक है स्पंदित दिल है या एम्पुलरी दिल है न्यूरोजेनिक हार्ट मायोजेनिक हार्ट पल्सेटिंग हार्ट या फिर एम्पुलरी हार्ट गुड <coughs> इवनिंग बेटा गुड इवनिंग बताइए तो मानव हृदय कैसा है ठीक है इट इज न्यूरोजेनिक इट इज मायोजेनिक इट इज स्पंदित पल्सेटिंग है या फिर एम्पुलरी सोना मोना बहुत बढ़िया चलिए तो सबसे पहले समझते हैं ह्यूमन हार्ट ह्यूमन हार्ट हमारा हृदय ठीक है इज अ काइंड ऑफ अगर हम रिलेशन देखें के तौर देखें जैसे आपके घर में दादा दादा सब होते हैं तो एक मेंबर होता है जो पूरे घर में किसी की नहीं सुनता है ना वो अपनी ऐठ में रहता है इस मेंबर का नाम होता है जीजा तुम में से बहुत सारे लोगों का जीजा होगा ठीक है जीजा क्या अपनी ऐठ में रहता है अलग ही मतलब पूरी शादी में सारे सबसे मतलब सब सही चल रहा है बट ऐठ में कौन घूम रहा होता है जीजा घूम रहा होता है ठीक है तो होता क्या है ये किसी की नहीं सुनता अलग ऐठ में ना पापा की सुनता है ना दीदी की सुनता है ना किसी की सुनता है ठीक है बट इज्जत करनी पड़ती है क्योंकि गलती से हमारी बहन चली गई है तो ऐसे ही हमारा ब्लड चला गया है गलती से इसके पास और इसने इस ब्लड को पूरी जगह मतलब पूरे मायके में ससुराल में घुमाने का क्या लिया है इसने ठेका ले रखा है तो दैट इज़ आपका जीजा बट जीजा को कभी कभार दादा कंट्रोल कर ले दादा इज़ ब्रेन ठीक है तो कभी कभार दादा कंट्रोल कर लेता है अदरवाइज़ दादा कंट्रोल नहीं कर पाता कब कंट्रोल लेता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमोशन ठीक है तो जब आप इमोशनल होते हो एट टाइम योर ब्रेन कंट्रोल हार्ट हॉर्मोन कंट्रोल हार्ट तो हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो बेसिकली इसके अंदर की मसल्स कंट्रोल करती है ठीक है मसल्स कंट्रोल करती है मांसपेशी कंट्रोल करती है और ये मसल बेसिकली जो होती हैं इनको हम बोलते हैं क्या कार्डियक मसल कार्डियक मांसपेशी, और ये कार्डियक मांसपेशी आपने स्पेशली दो टाइप की सुनी है ऐसे तो बहुत सारी होती है बट स्पेशली दो टाइप की सुनी हुई है एक है पेसमेकर और एक है आपकी पेस सेटर तो पेसमेकर जो है वो आपकी एस ए नोड बोली जाती है एस ए नाडी एस ए नाडी और पेस सेटर जो है वो आपकी बोली जाती है ए वी नाड़ी ए वी नोड तो ये आपकी स्पेशलाइज्ड मसल्स है ठीक है जो कि आपके हार्ट को क्या करवाती है इसका पूरा पंपिंग का ख्याल करती है दैट इज द रीजन अगर मैं किसी की छाती से यहां से यहां होता है हार्ट पहली चीज यहां इट इज इन द सेंटर टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट इसको हम बोलते हैं लेफ्ट साइड का दिल कभी जब बहाना मारा करो कि दिल में दर्द हो रहा है तो यहां मत पटके ठीक है तो भाना मारो तो यहां होता है ना जब डॉक्टर चेकअप करता है तो यहां लगाता है नहीं नहीं लगाता है बेटा हाथ लेफ्ट और टेन परसेंट में राइट right. इसको हम डेक्सट्रोकार्डिया कार्डिया लीवो कार्डिया बोलते हैं। तो दीज आर दर दोलाइज मसल्स ठीक है जिसकी वजह से आपका हार्ट क्या कर रहा है पंप कर रहा है इसलिए अगर मैं यहां से खींच के निकाल लू किसका तब भी ये क्या करेगा थोड़ी देर तक पंप करता रहेगा क्यों क्योंकि इसे मसल्स चला रही है आपका ब्रेन ऑर्डर नहीं दे रहा ठीक है बट कुछ हार्ट ऐसे होते हैं जिनको यहां से खींच लिया जाए वो तुरंत वहीं स्टॉप हो जाएंगे काम कर रहा क्योंकि वो कौन कंट्रोल कर रहा है वो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है तो उनको हम बोलते न्यूरोजेनिक हार्ट तो अगर आपसे पूछा जाए ठीक है कि हमारा हार्ट कैसा है ठीक है हमारा हार्ट कैसा है ठीक है हमारा हार्ट कैसा है मायोजेनिक हार्ट माजेनिक हार्ट आर फाउंड इन मैमल्स डीज आर फाउंड इन मैमल्स स्तनपाई और मोलस्क ऑल बाकी सब जगह आपका न्यूरोजेनिक हार्ट मिलता है मतलब ब्रेन कंट्रोल करता है मतलब कॉकरोच वॉक्रोच का अगर आप खींच के निकाल लोगे दिल वहीं चटक जाएंगे तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी इस प्रश्न का उत्तर क्या है आपका बी हमारा हार्ट कैसा है मायोजेनिक ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेस मेकर और पेस सेटर पेस मेकर आपका कौन सा है साइनोएट्रियल नोड ऐसे नोड पेस सॉरी पेस मेकर कौन सा है साइनोएट्रियल नोड ऐसे नोड और पेस सेटर कौन सा है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एवी नोड क्लियर है सर आपकी कहाँ बियर्ड गई ठीक है घूमने गई है थोड़े दिन में आ जाएगी तो अब जो आप गाना गाते हो ना ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल दीवाने में उसको भी कर डाला दीवाना ठीक है मैंने उसके शहर को छोड़ा उसकी गली में दिल को तोड़ा नहीं तोड़ सकते भाई तोड़ के देखो तुम फोटो सज जाये वहां पे ऐसे की <laughs> अच्छा आदमी था पांच हजार रुपया विखे क्या कभी चुकाए नहीं न्यूरोजेनिक ममता बेटा ठीक है कहीं पे भी रेस्ट ऑल मैमल्स और मोलस्क छोड़ के कहीं पे भी पूछा जाए न्यूरोजेनिक हार्ट क्लियर है <sighs> चलो तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से किसको हर साल खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है बेसिकली खेल दिवस स्पोर्ट्स डे आपका मनाया जाता है ठीक है आपकी बर्थ एनिवर्सरी होती है किसकी मेजर ध्यानचंद की जिनको हम बेसिकली विजार्ड ऑफ हॉकी हॉकी का जादूगर कहा करते थे तो आपका किस दिन मनाया जाता है किस दिन मनाया जाता है आपका खेल दिवस बताइए तो वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी मेजर ध्यानचंद की ठीक है आपकी बर्थ एनिवर्सरी पे ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अगस्त को आपका हर साल मनाया जाता है द स्पोर्ट्स डे खेल दिवस नेक्स्ट थिंग इज लाल रक्त कोशिकाओं के बिना पशु मतलब कौन सा ऐसा जानवर है जिसमें लाल रक्त कोशिका नहीं देखने को मिलती मेंढक केचुए सांप या फिर मोर बताइए तो किस जानवर में आपका बेसिकली लाल रक्त कोशिका है रेड ब्लड सेल्स नहीं देखने को मिलती साथ ही साथ आप ये बताएंगे आरबीसी का फंक्शन क्या होता है वट इज द फंक्शन ऑफ आर बी सी लाल रक्त कोशिका का कार्य लाल रक्त कोशिका का कार्य वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ठीक है देखिए सबसे पहले जितने भी हैं की है इनके पास हिमेटोबोटिक स्टेम सेल्स है ठीक है एच एस है हिमाटोपोटिक स्टेम सेल्स है तो ये सारे ओवरऑल ब्लड जितने भी आपकी ब्लड की सेल्स रहती है प्रोजेनेटर्स वगैरह वो सब आपका एराइज कर देगी ये ठीक है तो आरबीसी भी बनाएगी डब्ल्यू भी बनाएगी प्लेटलेट भी बनाएगी तो वर्टिब्रेट्स मतलब जिनके पास रीढ़ की हड्डी मिलती है मेंढक में मिलती है ठीक है मोर में मिलती है सांप में मिलती है तो इन तीनों में तो आपकी मिल रही है क्या रेड ब्लड सेल तो जो आपका इन्वर्टिबरेट होगा आकशी होगा उसके अंदर आपका बेसिकली नहीं देखने को मिलती क्या रेड ब्लड सेल तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी केचुआ बट स्टिल इनका भी ब्लड का कलर कैसा है रेड है इनका भी ब्लड का कलर कैसा है रेड है इनका भी ब्लड का कलर कैसा है रेड है और इसका भी ब्लड का कलर कैसा है रेड है क्यों क्योंकि सबके पास क्या है एक रेड कलर का पिगमेंट है हीमोग्लोबिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये हीमोग्लोबिन यहां 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 मतलब कहा इन तीन जगह में तो आरबीसी के अंदर मिलता है इन तीनों में आरबीसी के अंदर मिलता है ठीक है बट इसमें केचुए में इट इज डिजोल्ड इन प्लाज्मा या फिर सस्पेंडेड इन प्लाज्मा तो जो तरल भाग होता है ब्लड का उसमें रहता है है ठीक इसलिए इसका भी कलर ब्लड का कलर कैसा है रेड है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है इस प्रश्न का उत्तर है आपका क्या बी क्लियर केचुआ किसान का मित्र वेरी गुड नाउ आई है फंक्शन ऑफ आरबीसी आप में से कुछ लोगों ने बताया कि आपका जो आरबीसी का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिय न्यूट्रिय बेटा ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है ब्लड इज द बेसिकली ट्रांसपोर्टिंग मीडियम ठीक है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी किसी ने बोला बेसिकली गैस का ट्रांसपोर्ट गैस का ट्रांसपोर्ट इज एन एसेसरी फंक्शन ये सहायक कार्य होता है वट इज द मेन फंक्शन ये क्या है सहायक कार्य मुख्य कार्य क्या है मेन फंक्शन मुख्य कार्य बताओ किसान केसांग मित्र वेरी गुड ममता ऑक्सीजन सप्लाई ठीक है बेटा वो गैस का ट्रांसपोर्ट हो गया ना गैस ट्रांसपोर्ट चाहे ऑक्सीजन हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो एक्स वाई जेड कोई भी हो ये सारी गैस आपका ट्रांसपोर्ट ये सब इसका क्या है एसेसरी फंक्शन है सहायक कार्य है मेन फंक्शन क्या है मुख्य कार्य क्या है हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन वेरी गुड विच इज फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन का संचार करना अरे तो वो तो एसेसरी हुआ ना सहायक क्या है मुख्य क्या होता है मुख्य बताओ ना अगर आप अच्छी बुक्स पढ़ते हो ठीक है तो अच्छी बुक्स में आपको पता लगता है कि आपका जो आरबीसी है इसका मेन फंक्शन जो होता है वो होता है आपका ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन आपका ब्लड ग्रुप ए चल रहा है बी चल रहा है ओ चल रहा है ए बी चल रहा है एम चल रहा है के चल रहा है एच एच चल रहा है ठीक है एन ब्लड ग्रुप चल रहा है एम्यून सिस्टम चल रहा है आपके अंदर में ठीक है ये कैसे पता लगता है आपको आपकी आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट और एबसेंस प्रोटीन के चेन्स को प्रोटीन या फिर शुगर की चेन को पता करके तो दैट इज आपका बेसिकली मेन फंक्शन ऑफ आर बी सी ठीक है एसेसरी फंक्शन ऑफ आर बी सी इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है क्लियर तो ये आपका मेन फंक्शन होता है ठीक है तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लड ग्रुप कौन सी सेल्स की वजह से होता है तो ब्लड ग्रुप किस सेल्स की वजह से होता है रेड ब्लड सेल्स की वजह से चलिए मरकरी थर्मोमीटर का आविष्कार किया था किसने गैलीलियो ने फारेनहाइट ने न्यूटन ने या प्रेस्टली ने प्लीज ने नहीं आपके सर में सिंग निकला है हाँ सिलेक्शन नहीं मिला तो यही गोपा गोप दूंगा छोटी जापान वालों से मिल रही है बिल्कुल अभी थोड़े दिन बाद फ्रांस वालों से भी मिलेगी इसका आंसर करो चलिए तो वेरी गुड तो आपका बेसिकली जो मर्क्य थर्मामीटर है ये आपका बेसिकली 1714 में ठीक है सब, 1714 में आपका डिस्कवर किया था किसने फेरनाइट ने गैलीलियो ने क्या किया गैलीलियो ने आपके बनाए टेलीस्कोप ठीक है न्यूटन ने क्या किया ठीक है न्यूटन ने बताया ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में साथ ही साथ में दिए आपके लॉ ऑफ मोशन गति के नियम ठीक है प्रेसले ने क्या किया अच्छा ये बताओ Presley ने क्या किया बहुत फेमस है ठीक है जीए में पूछ लिया जाता है वट इज द रोल ऑफ प्रेस्ले इन साइंस प्रेसले ने क्या किया प्रेस्ले ने क्या किया सर डब्ल्यूबीसी का क्या क्या कार्य होता है डब्ल्यू बी सी बेटा पांच तरह की हो, होती है पांचों का काम अलग अलग होता है जनरल काम अगर हम बोले तो बॉडी को डिजीज आ, से आ, मतलब बचाने की कैपेबिलिटी देना मतलब इम्यूनिटी देना प्रतिरोधकता देना ठीक है तो वेरी गुड ठीक है तो आपका जो प्राणवायु है ऑक्सीजन की खोज ठीक है ऑक्सीजन की जो खोज करी थी वो आपकी किसने करी थी प्रेस लेने करी थी वेरी गुड चलिए बेटा डब्ल्यू बी सी इम्यूनिटी इम्यूनिटी ये लिखा मतलब रोगों से लड़ने की ताकत प्रतिरोधी क्षमता वैसे पांच तरह की होती है ठीक है आपका जब आप ब्लड रिपोर्ट आती है ब्लड रिपोर्ट आती है तो उसमें लिखा रहता है ठीक है ठीक है न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट मोनोसाइट योसनोफिल बेसोफिल ठीक है और इसी ऑर्डर में लिखा रहता है क्यों क्योंकि सबसे ज्यादा ये होती है आपकी ब्लड में और सबसे कम ये होती है तो याद रखने के लिए एन से न्यूट्रोफिल वाई LY से लिम्फोसाइट सबके काम अलग अलग है नॉर्मली प्रतिरोधी क्षमता दे रही है एम से मोनोसाइट ई e से और से और बी बेसोफिल ठीक है तो याद रखने के लिए अगर आपको ऐसे नहीं याद रख पाए तो ऐसे याद कर लो नाली में बसे ठीक है नाली में बसे ठीक है आपकी जो रक्त वाहिनी है वो एक तरह की, की नालियां है और उन्हीं नालियों में बसे हैं कौन डब्ल्यू बी से नाली में बसे ठीक है तो नाली में बसे तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है आपका हाँ, क्या नेक्स्ट इज चहलगानी या फिर चालीस कहे जाने वाले तुर्की रईसों की शक्ति को तोड़ने वाला पहला दुल्ली सुल्तान कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश रजिया या फिर बलबान दूरबीन नहीं बेटा दूरबीन नहीं बोलते बायनोकुलर्स होते दूरबीन टेलीस्कोप को टेलीस्कोप बोला जाता है बायनोकुलर की खोज तो किसी और ने कही थी ये सब डब्ल्यू है सर हाँ ये सारी डब्ल्यू बी सी है रजिया, अच्छा ठीक है तो चहलगनी या फिर चालीस बेसिकली आपका क्या होता था चालीस तो स्लेब होते थे ठीक है इनको तोड़ने वाला ठीक है तुर्की रईसों की शक्ति को तोड़ने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था दैट इज आपका गयासुद्दीन बलवान ठीक है तो गयासुद्दीन बलवान ठीक है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी ठीक है नेक्स्ट थिंग इज आपका इलेवंथ क्वेश्चन 1933 में अर्थशास्त्र में माइक्रो और मैक्रो ठीक है देखिए इकोनॉमिक्स आपकी दो टाइप की होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स तो माइक्रो के टीचर अलग रहते मैक्रो के टीचर अलग रहते माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था जेम्स टॉबिन ने रागर फिस्को ने या फिर गुरली ने या फिर आई फिशर ने ठीक है रागनर है, तो रागर बोल रहा हूं मैं रागनर ठीक है तो किसने किया था बताइए चालीस गुलामों का जत्था वेरी गुड नमस्कार बेटा नमस्कार बलवान पूरे दिल्ली डायनेस्टी में सबसे बेस्ट वेरी गुड गयासुद्दीन बलवान ठीक है तो ये किसने यूज किए थे ये टर्म ठीक है ये टर्म आपके बेसिकली रागनर फ्रिश्क ने यूज़ किए थे ठीक है तो पहली बार 1933 में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये जो टर्म है ये रागनर फ्रिश ने यूज किए थे नेक्स्ट थिंग इज अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण को जीतने का मिशन किसे सौंपा था अगर आपने बेसिकली मूवी देखी हो पदमावत उसमें एक गाना आया था बिन दिल तलिया अजीब सा गाना था मतलब उसके आज तक मेरे को लिरिक्स नहीं समझ में आया ठीक है तो उसमें भी वो था कैरेक्टर ठीक है तो उलुगा खान मलिक काफुर खिजरा खान या फिर शाजी मलिक तो किसको दिया था बेसिकली साउथ को साउथ को जीतने का आ, काम कैसे सौंपा था ठीक है तो बताइए जिसने पदमावत देखी होगी बता बता देगा लुकिंग हैंड धन्यवाद तो वेरी गुड वेरी गुड ठीक है तो ये जो काम सौंपा गया था बेसिकली ये एक थोड़े से ना ऐसे छाइप के जो भाई भाई थे उसमें वो देखा होगा ना पद्मावत में वो थोड़ी सी मतलब ना उनमें थोड़े से कैरेक्टर ना वो थोड़े से वैसे थे तो उन्हीं को दे दिया गया उन्होंने जीत भी लिया ठीक <laughs> है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी मलिक काफुर को दिया गया था ये काम ठीक है थोड़ा सा गेश कैरेक्टर थे ये गे थे तो इनको ये बेसिकली ये काम दिया गया था जाफुर नहीं बेटा काफुर किन्नर था ये हाँ वेरी गुड छक्का था वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलो तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी मलिक नेक्स्ट थिंग इज अगला क्वेश्चन ठीक है भारत में के हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क को किस जिले में चालू किया गया ठीक है तो हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क जिला बोल रहे हैं और लिखा राज्य ठीक है, जिला था की। जिला था की। जिला मैं बता देता हूं राज्य बता दूक है एनओ एफ एन की स्थापना हुई थी एनओ एफ एन की स्थापना हुई थी दैट इज आपका द नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क की हाई स्पीड ब्रॉडबैंड की <laughs> अरे कच्चा बदाम मेरे को आज तक उसकी भी लिरिक्स नहीं बने पता नहीं क्या बोल जाता है जिले में और ये जिला आपका कहां पे है केरल में द लैंड ऑफ स्पाइसेस नेक्स्ट थिंग भी निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत में स्थानीय रूप से विलुप्त है साइबेरियन क्रेन जिप्स गिद्ध वाइट बेलिड हिरॉन वन उल्लू सर मैं जा रही हूं सॉरी मेरी तबीयत खराब है कोई बात नहीं अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण को जितनी जीतने का मौका क्या लिखा था वेरी गुड वेरी गुड ठीक है चलिए तो भारत में से कौन सी प्रजाति बेसिकली विलुप्त हो गई है ये भी नहीं पता कोई बात नहीं छोटी बढ़ाओ तब अच्छी लगेगी हसन हाँ बेटा बढ़ेगी ना धीरे धीरे बढ़ेगी हैं? बाल कटवा दिए जाते हैं ना तो छोटी कैसे बढ़ेगी चलिए तो वेरी गुड ठीक है भारत में से अभी धीरे धीरे जो बेसिकली विलुप्त हो चुके हैं वो आपके जिप्स गिद्ध आपके विलुप्त तो हो चुके चलिए नेक्स्ट थिंग इज महान स्नानागार पाया गया था द ग्रेट बाथ हड़प्पा मतलब किसकी खुदाई में पाया गया था हड़प्पा की खुदाई में ठीक है मोहनजुदो की खुदाई में लोथल की खुदाई में या फिर चानुद्रो की खुदाई में ठीक है ग्रेट बाथ ठीक है बहुत बड़ा नहाने का वो था भारत के हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क केरल में हाँ वेरी गुड वेरी गुड हिजाब वाला उड़ूपी हिजाब वाला उडुपी कौन सा उडुपी पढ़ने का मन नहीं करता सर डाइक्लोफ ने दवा से वेरी गुड बहुत बढ़िया जिसने भी पढ़ा है अच्छे से पढ़ा है जी तो वेरी गुड कहां पाया गया था ग्रेट बात आपका ये डो में पाया गया था अच्छा एक चीज बताएं। ये सारी की सारी आपकी क्या सिविलाइजेशन है एंशियंट सिविलाइजेशन है, है सभ्यता सब है सबसे पुरानी सबसे पुरानी सभ्यता सब का नाम क्या है सबसे पुरानी सभ्यता सब का नाम क्या है बताएं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। सबसे पुरानी सभ्यता सब का नाम क्या है सबसे पुरानी सभ्यता सब का नाम क्या है हाँ, मोहन जोड़ा नर्तकी भी मिली वेरी गुड सर नेल पॉलिश बिंदी भी लगा देना बिल्कुल और कुछ लिपस्टिक साड़ी ब्लाउज बता भाई है टीचर बनने वाले हो तुम तो, बन पाओगे हैं कौ भाई पढ़ाई करना तो जी जी तो कमेंट करन बन पाओगे टीचर तो वेरी गुड तो सबसे पुरानी जो सभ्यता है ठीक है वो आपकी कौन सी है मैसोपोटामियन ठीक है तो मैसोपोटामियन सिंधु घाटी की नहीं बेटा मेसोपोटाम मैसोपोटाम के बाद में आई थी तो सबसे पहले सबसे पहले आपकी मेसोपोटामियन ठीक तो मैसोपिटामियन आपकी क्या है सबसे पुरानी सभ्यता सब है चलिए नेक्स्ट इज एक पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक है ये क्वेश्चन आपका अभी हाल फिलहाल में यूपी टेट में पूछा गया था जिसमें भी बहुत सारे लोग इसका आंसर गलत करके आए थे ठीक है तो पारिस्थितिकी की तंत्र के मुख्यतः दो घटक होते हैं पौधे और जानवर जैविक और अजैविक पौधे और रोशनी मातम सॉरी खरपतवार एवं सूक्ष्म जीव बताइए मृतकों का पीला तो वेरी गुड ठीक है तो आपका जो एक इकोसिस्टम एक है ठीक है एक जो आपका सराउंडिंग है उसमें बेसिकली आपकी क्या देखने को मिलती है ठीक है एक चीज देखने को मिलती है लिविंग ठीक है जिसको आप बोल देते हो बायोटिक एक चीज देखने को मिलती है नॉन लिविंग जिसको आप बोल देते हो बायोटिक और एक चीज और देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं डेड ठीक है होती ये भी है बट हम इसकी जनरली बात नहीं करते आपसे कईयों बार जब डेफिनेशन पूछी जाती है कईयों लोगों से गलती होती है नॉन लिविंग थिंग्स को जब आप डिफाइन करते हो ठीक है अजैविक चीजों को जब आप डिफाइन करते हो तब आप बोल देते हो नॉन लिविंग थिंग्स आर डेड नहीं बेटा ठीक है जैसे स्टूडेंट भी कभी सॉरी टीचर भी कभी स्टूडेंट था सास भी पहले कभी बहू थी वैसे ये डेड भी पहले कभी क्या था जिंदा था ठीक है तो डेड वही चीज हो सकती है जो पहले क्या हुई होगी लिविंग रही होगी नॉन लिविंग थिंग कभी भी डेड नहीं हो सकती ये मेरे हाथ में ये प्लास्टिक है ये नॉन लिविंग है ये कभी मर नहीं सकता ठीक है बट मैं चटक सकता हूं ठीक है तो मैं इधर जा सकता हूं बट ये board, ये बोर्ड स्मार्ट बोर्ड ये डेड में नहीं आ सकता तो याद रखे नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट द डेड थिंग ठीक है नॉन लिविंग थिंग्स आर दो विच डू नॉट द सिम्टम्स और साइंस ऑफ लिविंग ठीक है क्लियर है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या है इज बी बी विल बी द राइट आंसर ठीक है तो बायोटिक और एबायोटिक दो चीजों से बनती है नेक्स्ट थिंग इज किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है अनुच्छेद एक सौ सड़सठ अड़सठ उनहत्तर या फिर सत्तर उत्पादक उपभोक्ता और अब घटक को क्या कहते हैं प्रोड्यूसर डिकम्पोजर प्रोड्यूसर्स आर उत्पादक ठीक है कंज्यूमर्स आर उपभोक्ता और डिकम्पोजर्स दैट इज अपघटक ठीक है तो ये बोलते हैं ठीक है और ये इनको याद रखने के लिए सीरीज में रहते हैं तो पकड़ पी सी डी ठीक है और ये सारी के सारे में चले जाएंगे लिविंग में चले जाएंगे बायोटिक फैक्टर्स में चले जाएंगे सेवेंटीन का डी वेरी गुड एस्टेट कब होगा बेटा चुनाव के बाद ही होगा जब भी होगा चलिए तो आंसर टू दिस क्वेश्चन का उत्तर जो है दैट इज आपका अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 169 ठीक है अनुच्छेद एक के तहत ठीक है राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है ठीक है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सी सी बेटा सिक्सटी नाइन सिक्सटी एट नहीं सिक्सटी नाइन के तहत नेक्स्ट थिंग हवाला क्या है ठीक है वोट इज आपने सुना होगा ना हवाला ठीक है हवाला की तो हवाला क्या है वस्तु का पूरा विवरण विदेशी मुद्रा का अवैध लेन देन ठीक है शेयरों का अवैध व्यापार या फिर कर चोरी हवाला क्या है हवाला बताइए हवाला व्हाट इज हवाला ठीक है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों वो वाला हवाला नहीं है तो वेरी गुड ठीक है जो आपके बेसिकली विदेशी मुद्रा के जो अवैध लेनदेन होते थे इलीगल ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होते थे उनको हम कहा कहते थे क्या हवाला तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी नेक्स्ट थिंग इज पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है चार जुलाई को तेईस सितंबर को इक्कीस मार्च को या तीन जनवरी को और ये क्वेश्चन आपका डी ट्रिपल एस बी में पूछा गया है ठीक है ये क्वेश्चन आपका डी ट्रिपल एस बी में पूछा गया है ठीक है कि भाई पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है चार जुलाई तेईस सितंबर इक्कीस मार्च या तीन जनवरी ठीक है आपको योगिंदर सर ने ठीक है आ, पढ़ाया भी होगा कि सबसे दूर कब होती है सबसे <coughs> नजदीक कब होती है राम रहीम लग रहे हो हाँ राम रहीम लग रहा हूंगा बट राम रहीम जैसे काम नहीं करता मैं ठीक है उसकी तरह वो नहीं यू आर माई लव चार खुद ही मूवी बनाऊं, खुद ही डायरेक्टर खुद ही सिंगर तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर डिफरेंस बिटवीन डिकम्पोजर एंड द स्केवेंजर डिकम्पोजर्स आर दो थिंग्स विच कैन डिकम्पोज एनी फॉरन ऑब्जेक्ट बाय दे परफॉर्म एक्स्ट्रा सीधी सी बात ठीक है ये डिकम्पोजर्स जो होते हैं इनके पास प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता प्रॉपर पाचन तंत्र नहीं होता तो ये अपनी बॉडी से एंजाइम बाहर निकाल के बाह्य पाचन करते एक्स्ट्रा सेलुलर बाहे कोशिकाए पाचन करते एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं बट स्केवेंजर स्केवेंजर होते हैं मृत बक्षी इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बड़े जानवर होते हैं डिकम्पोजर में मोस्टली 90 परसेंट आपका क्या आते हैं फंगस और बैक्टीरिया तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी तीन जनवरी को आपकी जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के सबसे निकट होती है नेक्स्ट थिंग इज किस देश को द क्वीन ऑफ सीज की उपाधि अर्जित की है? जर्मनी फ्रांस ब्रिटेन या फिर इटली <laughs> वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चार जुलाई को दूर तीन जुलाई को पास हाँ बेटा जह, जिस भी एग्जाम में आपका वो आता है क्या बोलते हैं जी आती है वो सब में काम करेगा हाँ। जय हिंद जय हिंद बेटा तो बताइए किस देश को द क्वीन ऑफ सीज उपाधि दी गई है और क्यों दी गई है यह भी बताएं ठीक है यह भी बताएं क्यों दी गई है अगर आप आंसर बता रहे हैं कि क्वीन ऑफ सीज ठीक है दी गई है तो क्यों दी गई है साथ में यह भी बताएं <laughs> गुड गुड इवनिंग इवनिंग ब्रिटेन चलिए तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी चलिए वेरी गुड वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है फ्रांस को आपका बोला जाता है द क्वीन ऑफ सीज क्यों कहा जाता है ठीक है ये भी बताए चलिए जब तक मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूं श्वसन मस्तिष्क के डैश भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है ठीक है देखिए श्वसन ठीक है ये आपकी एक इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है अनैच्छिक गतिविधि है अनैच्छिक और अगर कभी भी कोई अनैच्छिक गतिविधि हो आपकी बॉडी में तो उसे आपका कंट्रोल करता है कौन दूला ठीक है मैं दूला ठीक है मैं दूला जो कि आपका जस्ट ये 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 जो कनेक्ट कर रहा है ठीक है स्पाइनल कॉर्ड को ठीक है आपका ब्रेन से जो कनेक्ट कर रहा है वो आपका ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं मैं दूला. तो अगर मैंने यहाँ चोट मारी यहाँ चोट मारी माइट बी पॉसिबल ठीक है देर इज अ रेयर चांस कि आपकी डेथ हो बट आपका हो सकता है आपकी बॉडी पैरालिसिस में चले जाए ठीक है बट अगर मैंने यहाँ ढंग से चोट मारी 100% परसेंट श्योरिटी देर विल बी ए डेथ ठीक है इसलिए आप जब भी छोटे बच्चे को उठाते हो तो मेडुला को सपोर्ट देते हो ठीक है ऐसे उठाते हो ठीक है जब भी उठाते हो ना ये है मेरा राज दुलारा ऐसे नहीं छोड़ देते क्यों अभी छोटा बच्चा है वजन नहीं संभाल पाएगा चटक जाएगी पीछे की तरफ तो बोलेगा चाचा ने चटकाया तो दैट इज मेड्यूला आपका सारी की एक्टिविटीज सारी अनैच्छिक गतिविधियां जो आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते वो कंट्रोल करता है अब इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से भी पूछा जा सकता है ये तो हो गया रेस्पायरेटरी या फॉर ब्रीदिंग सेंटर ऑफ द बॉडी बट अगर आपसे कोई पूछा जाए न्यूमोटेक्सिक सेंटर कौन सा होता है न्यूमोटेक्सिक सेंटर न्यूमोटेक्सिक को हम हिंदी में भी न्यूमोटेक्सिक ही बोलते है. नहीं छोटा दिमाग छोटा दिमाग ये नहीं होता छोटा दिमाग यहां होता दैट इज सरे बलम सर का बलम इसको हम ट्री ऑफ लाइफ बोलते है. तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करें सेंटर कौन कंट्रोल करता है तो देखो सबसे पहले समझो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्रेदिंग एंड न्यूमोटेक्सिसिटी देखिए अभी हम सभी लोग सांस ले रहे हैं ठीक है आप लोग भी सांस ले रहे हैं मैं भी सांस ले रहा हूं ठीक है और ये ऐसी एक्टिविटीज है जो 24, मतलब ये ऐसी एक्टिविटी है जो चौबीस घंटे चलती है ये कभी नहीं रुकती रुक गई तो ऐसी फोटा आ जाएगी ठीक है फिर से कोई रो देगा चार हजार रुपए लेके गया था बता के तो गया नहीं ठीक है तो दैट इज आपकी ब्रेदिंग ठीक है जो कि 24 घंटे चलने वाली प्रोसेस है बट यही जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो देयर इज ए मतलब एक फेज uh, आती है जिस टाइम आप दौड़ रहे होते हो या फिर एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी ब्रीदिंग रेट बहुत फास्ट हो जाती है बट आपका ऑक्सीजन इंटेक बहुत कम हो जाता है आप कैसे सांस ले रहे हो तो अभी आप कितनी कितनी एयर ले पा रहे हो अभी नॉर्मली अभी आप इतनी एयर ले रहे हो तो ब्रीदिंग रेट तो बढ़ी हुई है बट ऑक्सीजन अपटेक क्या है कम है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूमोटेक्सिसिटी तो न्यूमोटेक्सिक सेंटर मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हैवी एक्सरसाइजेस जो आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल होती है वो आपका पान खाए बरेली वाले कंट्रोल करता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन है अगर आपसे तो बरेली, के? बरेली के बाकी अगर पूछे या नॉर्मल रेस्पिरेशन पूछे तब आप बताएंगे मेडुला ऑबलांगाटा क्लियर है टाइडल वॉल्यूम इज अ डिफरेंट थिंग दिव्या भारती टाइडल वॉल्यूम इज अ लंग कैपेसिटी वो उसको इधर मत घुसेड़ो चलो कांग्रेस का दिसंबर उन्नीस का सत्र जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी द डिसंबर 1929 सेशन ऑफ कांग्रेस एंड विच द रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज वास पास बस प्रिसाइडेड ओवर बाय जवाहरलाल नेहरू सी आर दास वल्लभ भाई पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सुनील तो त्रिपाठी तेरे को भी लेके जाऊंगा अपने साथ अगर मैं मैं अंदर गया तो तो वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी प्रश्न का जो उत्तर है आपका, हमारे जी के चचा के नेतृत्व में किया गया तो हमारे चचा नेहरू के नेतृत्व में किया था दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू रोमन देवता जीस के नाम पर किस ग्रह का नाम रखा गया ठीक है तो देखिए आपके जनरली जो बेसिकली क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं <laughs> प्लैनेट्स ये सारे प्लैनेट के नाम ग्रीक गॉड्स पे पड़े हैं तो ग्रीक गॉड्स में मतलब ग्रीक माइथोलॉजी तो में आप जो नाम पढ़ रहे हो अपने सारे प्लैनेट्स के ग्रीक माइथोलॉजी पे लिए गए बट रोमन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग एक देवता थे जीस जिनको जैसे हमारे यहां शिव जी महादेव बोला जाता है वैसे जीस महादेव हुआ करते थे ठीक है तो जीस किस देवता का मतलब कि कौन से प्लेनेट को बोला जाता था मंगल को पृथ्वी को, को, को शुक्र को या फिर बृहस्पति को शुक्र ग्रह अच्छा चलिए तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है जीस जो है जीस सबसे बड़ा सबसे मैंने बोला ना आपको जीस रोमन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा सबसे बड़ा आदमी ठीक है तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी जुपिटर ठीक है तो जुपिटर को बोला जाता था तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी ठीक है हमारे ये जो नाम पड़ा है जुपिटर जुपिटर अकॉर्डिंग टू द ग्रीक माइथोलॉजी ये बड़े भगवान का बेटा था ठीक है बड़े भगवान कौन थे सनी सनी का बेटा सनी का लड़का था जुपिटर ठीक है तो सैटन एक आपके ग्रीक गॉड थे जिनका लड़क जिन्होंने एक मोड़ा पैदा कर दियो जहां मोड़ा का नाम रख दियो का जुपिटर जू पीटर ठीक है क्योंकि इसके सर में क्या थे जुए थे पीटर के तो नाम दियो जू पीटर इसके सर में जूए जू पीटर चलो प्रधान मध्यान रेखा गुजरती है पेरिस से ग्रीनविच से न्यूयॉर्क से या दिल्ली से आप सभी को पता है प्राइम मेरिडियन के बारे में योगेंद्र सर ने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा तो पेरिस ग्रीनविच न्यूयॉर्क या दिल्ली बृहस्पति शुक्र को कहते हैं अबे बृहस्पति जुपिटर को कहते हैं शुक्र को वीनस कहते हैं गजब अभी तक तुम्हें जय नहीं पता कि हिंदी और इंग्लिश में कौन किसका नाम है ग्रीक के देवता कौन होते हैं जय होते हैं ठीक है वीनस सेटन नेपचून यूरेनस नेप्चून समुद्र के देवता थे यूरेनस हवा के देवता थे तो वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है जो आपकी ग्रीन विच है जो प्राइम मेरिडियन है ठीक है वो आपकी ग्रीन विच लंडन से पास होती है ठीक है तो ग्रीन विच लंडन से पास होती है ठीक है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन क्वेश्चन विल बी बी नेक्स्ट पृथ्वी को अपने काल्पनिक अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है 24 घंटा 37 मिनट 23 सेकंड ये वाला क्वेश्चन आपका बेसिकली ठीक है उसमें नहीं आया ठीक है बट आपका ये क्वेश्चन ठीक है एक टेट में पूछा गया था के टेट में के टेट में अरे डाल दिया ठीक है तो पृथ्वी को अपने काल्पनिक अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है बहुत सारे लोग इसका गलत करेंगे चौबीस घंटा सैंतीस मिनट तेईस सेकंड 24 घंटे तेईस घंटा 56 मिनट 4 सेकंड या फिर तेईस घंटा बावन मिनट राम 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 सर चोटी कब से है अबे चोटी तो हर इंसान को लखनी चाहिए पहले के बाबा क्यों चोटी रखते थे बिकॉज हर पैनी चीजें आपका ऊर्जा को आकर्षित करती हैं पहले के बाबा जो जुड्डा बनाते थे बिकॉज हर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट ठीक है आपका एनर्जी अट्रैक्ट करता है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 23 आवर्स आवर्स मिनट ठीक है 24 हम जनरली इसलिए बोलते हैं कि एक राउंड फिगर ले लेते हैं ठीक है ताकि इजिली आपकी कैलकुलेशन की जा सके बट अदरवाइज इट इज 23 थ्री आवर्स फिफ्टी सिक्स मिनट और फोर सेकेंड चलिए नेक्स्ट थिंग इज कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने वाले रूसी क्रांतिकारी थे कारमार्क स्टालिन लेलिन या फिर ट्रॉट्स <coughs> एस्टेट की बायो में क्या पढ़ना है प्लीज ठीक है देखो एस्टेट की बायो बहुत इजी आती है ठीक है एस्टेट की बायो को हैडक मत है एस्टेट में अगर आपको मेनली फोकस करना है साइंस में यू हैव टू फोकस ओवर द न्यूमेरिकल्स ऑफ द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ठीक है बायो तो मैं कह रहा हूं जितना मैं पढ़ाऊंगा ना बहुत लुल्ल पेपर आएगा उससे भी सबका सही है क्या बात है चलो तो बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी जो आपकी थी ठीक है रूसी एक क्रांतिकारी थे ठीक है व्लादिमीर लेनिन ठीक है इन्होंने आपकी कम्युनिस्ट पार्टी स्टार्ट करी थी तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सी लेनिन द्वारा चालू करी थी अबे कार्ल मार्क्स ने मार्क्सिज्म दिया था देखो देखो कार्ल मार्क्स लेनिन ने चालू करी थी कम्युनिस्ट पार्टी कार्ल मार्क्स ने चालू करी थी लड्डू दिया था पेलोपोनिसियन युद्ध डैश और डैश के बीच में हुआ था इसके ऊपर आपने एक बहुत प्यारी मूवी भी देखी है ठीक है जिसको हम बोलते हैं ठीक है देखी होगी ना सभी ने बहुत सारे मतलब कुछ कुछ को हॉलीवुड नहीं पसंद उनको वही पसंद है ठीक है बॉली, बॉलीवुड वाली टिपिकल स्टोरी ठीक है मेरे हाथ में तेरा हाथ हो नहीं लग रहा था चलो तो किस किस के बीच में हुई थी ये लड़ाई स्पाट और एथेंस के बीच में हुई थी वेरी गुड स्पार्टा और एथेंस के बीच में हुई थी ठीक है क्वेश्चन नंबर 28 1939 में इनमें से किस देश के आक्रमण को व्यापक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है मतलब जो जर्मनी है बेसिकली जर्मनी ने अपना अटैक सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया जिससे आपका वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुई द इनवेशन ऑफ विच ऑफ द कंट्रीज इन 1939 थर्टी नाइन वर्ल्डली रिकॉर्डेड टू स्टार्ट ए वर्ल्ड वॉर सेकेंड इटली जर्मनी पोलैंड या फिर फ्रांस स्पार्टा देखी है ना हा बस 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 एथेंस और किसके बीच में लड़ाई हो रही थी स्पार्टन्स के बीच में चलिए वेरी गुड वेरी गुड अबे ओ मेरे लालो जर्मनी मैंने बोला जर्मनी ने निवेशन किया था तो जर्मनी अपने आप से ही लड़ लेगा मतलब कह रहा है आओ हम से ही लड़ लो हैं ऐसे बोलेगा अरे तुम लोग ऐसा लग रहा है कि है ना यहाँ गांजा पी क्या है ना थोड़ा सा दिमाग को चुस्त रखो ठीक है अदरवाइज चलो तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी पोलैंड के ऊपर अटैक किया था ठीक है तो आपकी स्टार्ट हुई थी किसकी वर्ल्ड वॉर सेकेंड सबसे बड़ी लड़ाई थी चलो हैबियस कॉर्पस एक्ट वॉज पास बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम किस सन में पास किया गया था सर सुपर डेड कब हो सकता है बेटा चुनाव के बाद तो हैबियस कॉर्पस एक्ट किस सन में पास किया गया था बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम किस सन में पास किया गया था सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है जल्दी से बताओ अरे सर सर को कैसे बेटा देखो ज्ञान वही देता है जो हर चीज से होके हो के है ना ठीक है जब चीज का ज्ञान ही नहीं होगा तो कैसे बता देगा ले ये चला गया यहाँ देखना पड़ेगा कहाँ गया यूट्यूब भाई ये गायब हो गया देख यहाँ खोल ले रो हाँ तो बताइए ठीक है।, है तो हेरवियस कॉर्पस एक्ट कौन सी सन में पास किया था तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ठीक है तो हेवीएस्ट कोर्पस एक्ट दैट इज बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम ये आपका 1679 में पास हुआ था ठीक है एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास ठीक है सभी पिरामिडों में सबसे भव्य पिरामिड काहिरा के पास गीजा में महान पिरामिड ठीक है जिसे पुना पुराने साम्राज्य के डैश द्वारा लगभग 2650 ईसवी पूर्व में बनाया गया था फिरौन नहीं है फराह है फराह चेप्स खुफू द्वारा राजा तूतन खामिन द्वारा हमुन राबी द्वारा या फिर इनमें से किसी ने भी नहीं बनाया बताओ, बताओ कुछ नहीं होता गांजा से मैंने खा लिया था एक बार गलती से हम्म तुम्हें मिला नहीं है ना तगड़ा वाला डोज तुम पता लगेगा तुम्हें कुछ नहीं होता मेरे बगल में कच्चा बादाम बज रहा मूड खराब हो रहा है चीकू चक्रवर्ती तू बगल में से जाके पक्का काजू बजा दे जाके पका काजू पका काजू आ जा काजू चलिए तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है तो ये जो आपका गीजा का पैरामिड बनाया था ये आपका चेप्स खूफू ने बनाया था ठीक है तो चेप्स खूफू ने तो ये थी आपकी बेसिकली आज की क्लास सर आपके बाल घने कैसे हैं भाई जेनेटिक्स है इसको हम अनुवांश की बोलते ठीक है ये थी आपकी आज की क्लास कल की क्लास में हम करेंगे ठीक है कुछ आपके साइंस रिलेटेड क्वेश्चन साइंस रिलेटेड ओरिएंटेड एज वेल एज जियोग्राफी और पॉलिटी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिलते हैं कल की क्लास में टिल देन हैव ए नाइस डे बाय बाय गुड डे टेक केयर